हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट कालीचरण कि कैसे उसने अपने इनसिक्योरिटीज को चैनलाइज किया और एक बिलियन डॉलर एम्पायर खड़ा किया। तो काइली जेनर वॉज बोर्न ऑन August 10, 1997। उसकी एक बड़ी बहन भी है केंडल जेनर, एंड कार्डाशियन सिस्टर्स जो है ना वो काइली के स्टेप सिस्टर्स है। 2007 में जब कीपिंग अप विद द कार्डाशियन शो लॉन्च हुआ था तब काइली कुछ 10 साल की थी। ग्रोइंग अप यू कुछ सी कि काइली का जो पर्सनालिटी था ना काफी एनर्जेटिक एंड स्पॉन्टेनियस था, पर क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल की एज से काइली को कैमरा के सामने जिंदगी जीने की आदत हो गई थी, तो धीरे धीरे करके अपने टीनेज ईयर्स में शी रियलाइज दैट जिस वे से वो खुद को पोर्ट्रे करेगी उसके बेसिस पे इंटरनेट पे लोग उसे जज करेंगे। इन अ वे लोगों के वैलिडेशन के लिए काइली स्टार्टेड चेंजिंग अ बिट, वो शांत होती चली गई। ऊपर से 2009 का जब साल आया तब काइली की बड़ी बहन केंडल ने 13 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दिया। एक मॉडलिंग एजेंसी ने उसे साइन किया एंड 2009 में शी गॉट हर फर्स्ट मॉडलिंग जॉब विच वॉज अ ट्विस्ट कैंपेन फॉर फॉरएवर 21। सो ये वो फेज था जहाँ काइली को एक प्रेशर महसूस हो रहा था दैट शी ऑल्सो हैज टू डू समथिंग। उसकी सारी बड़ी बहनें सेलिब्रिटीज थी, ऊपर से केंडल को भी अपना करियर मिल चुका था। शी वॉन्टेड टू डू मॉडलिंग। क्रिस जेनर का पूरा अटेंशन भी इसी वजह से केंडल पे ही रहता। इवन किम कार्डाशियन भी एफर्ट्स डाल रही थी टू मेक केंडल अ मॉडल, एंड काइली जेनर तभी यही सब की वजह से जेलस फील करती, विच इज नॉर्मल क्योंकि फैमिली का अटेंशन इज समथिंग दैट एवरीवन क्रेव्स, एंड काइली भी सेम कुछ इमोशनली फील कर रही थी। कुछ वक्त बाद काइली ने भी केंडल की तरह मॉडलिंग शुरू किया, पर काइली को इसमें इतना मजा नहीं आ रहा था। ऊपर से वो जब 15 साल की एज में पहुंची तब वो अपना ज्यादा टाइम इंटरनेट पे गुजारती, क्योंकि उसकी सारी बहनें किसी न किसी वजह से फेमस थी एंड बिजी रहती। इसी वजह से काइली अपने सिबलिंग्स में लेफ्ट आउट फील करती, एंड देर वॉज दिस कॉन्स्टेंट कंपेरिजन ऑल्सो हैपनिंग। एक पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ पे केंडल एंड काइली में से कौन ज्यादा ब्यूटिफुल है ये कंपेयर किया गया, एंड ऑब्वियसली तभी केंडल क्योंकि एक बडिंग मॉडल थी तो लोग उसे चूज करते थे। एंड जब भी कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस का ऐसा कोई एपिसोड आता था जिसमें केंडल काइली ज्यादा देर तक दिखाए जाते तो इंटरनेट पे ट्रोलर्स काइली को ट्रोल करने लग जाते फॉर हर फीचर्स। जैसे कॉन्स्टेंटली ये पढ़ने मिलता है इंटरनेट पे कि जेनर सिस्टर्स में से केंडल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड काइली सोसो है, वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, तो कैसा लगेगा। यहाँ से काइली की इनसिक्योरिटीज अपने बॉडी एंड फीचर्स को लेके शुरू हुए। इवन काइली जेनर का एक बॉयफ्रेंड भी था, जब काइली ने अपने बॉयफ्रेंड को पहले बार किस किया था तब उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ ये बोला था दैट यू आर अ गुड किसर बट तुम्हारे लिप्स काफी थिन है, एंड ये एक कॉमेंट ने काइली के बचे कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी शैटर कर दिया। ये स्टेटमेंट की वजह से काइली का ध्यान अपने लिप्स पे गया एंड शी वॉज कन्विंस दैट इट इज टू थिन। अपने लिप्स को लेके काइली सबसे ज्यादा इनसिक्योर थी, एंड फिर 2013 में जब वो 16 साल की हुई तब शी स्टार्टेड डेटिंग जेडन स्मिथ। एंड जेडन क्योंकि एक फेमस स्टार किड है हॉलीवुड में, तो जहाँ वो जाते हैं उसे फोटोग्राफर्स कैप्चर करते, एंड अगर काइली एंड जेडन कहीं घूमने जा रहे होते तो फोटोग्राफर्स काइली को भी कैप्चर करते। धीरे धीरे करके काइली वॉज रियलाइजिंग कि एज ईयर्स आर पासिंग शी इज गेटिंग मोर फेमस, एंड नो मैटर व्हाट शी डज कैमराज विल बी ऑलवेज अराउंड हर। इसी वजह से काइली ने डिसीजन लिया फिलर्स यूज करके अपने लिप्स को बड़ा करने का, एंड काइली ने जब ये किया तब अपने लिप्स के बारे में वो इतना बात करना पसंद नहीं करती थी, एंड इनिशियल ईयर्स में तो डायरेक्टली डिनाई कर देती कि उसने लिप सर्जरी या फिलर का इस्तेमाल किया है, पर इट वॉज वेरी एविडेंट दैट शी इज डूइंग समथिंग टू हर लिप्स जिस वजह से वो बड़े हो रहे हैं। ये कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में शी गॉट लिप फिलर्स जिसकी वजह से उसके लिप्स बड़े लगने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान जब उसे उसके लिप्स के बारे में पूछा गया तब शी लाइड एंड डिनाइड यूजिंग लिप फिलर्स। ये जो उसका झूठ था ना इस वजह से बहुत ही ज्यादा बैकलैश काइली को मिला, एंड ये अटेंशन एंड बैकलैश के जस्ट 6 months बाद 2015 में काइली ने काइली लिप किट्स रिलीज होने वाले हैं इसका अनाउंसमेंट किया। जो फर्स्ट टाइम काइली लिप किट्स वर रिलीज तब विद इन फ्यू मिनट्स द लिप किट्स गॉट सोल्ड आउट, एंड यहाँ से काइली कॉस्मेटिक्स का जर्नी भी स्टार्टेड। हाँ ये भी गया कि ये बिजनेस के पीछे एक्चुअल दिमाग क्रिस जेनर का था, एंड दिस कैन बी ट्रू क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी किसी कार्डाशियन या जेनर को इंटरनेट पे ट्रोल किया जाता है तब उस अटेंशन को कैसे खुद के फायदे में यूज करना है दैट इज समथिंग जो क्रिस जेनर को पता है। क्रिस वॉज देयर बाय काइली साइड व्हेन ऑल दिस वॉज हैपनिंग, एंड अल्टीमेटली काइली जेनर को वो एक चीज मिल गई जिसे करने में उसे खुशी होती थी, एंड वो था कॉस्मेटिक्स। लिक्विड लिपस्टिक्स के साथ सेम शेड का लिप लाइनर्स भी देना वॉज क्लेवर। एक इंटरव्यू में काइली सेड कि वो मल्टीपल लिप लाइनर्स को यूज करके खुद के लिप्स को ओवरलाइन करती है, एंड इसी वजह से उसके लिप्स बड़े दिखते हैं। ये सब जो भी काइली बोल रही थी वो BS था, एवरीवन न्यू इट, इट वाज अ लाई, एंड इसी वजह से काफी हेट काइली को मिलता जा रहा था, पर यही अटेंशन उन्हें चाहिए था। दिस वॉज वर्किंग इन काइली कॉस्मेटिक्स फेवर, पीपल वर बाइंग इट, एंड ये जो कॉस्मेटिक ब्रांड था दैट वॉज अ सक्सेसफुल वेंचर। उस वक्त में काइली ना टाइगा को भी डेट करी थी, कुछ 2014 से लेके 17 तक दे वे टुगेदर। कई लोगों को इनका जो रिश्ता था ना वो इनअप्रोप्रिएट लगा क्योंकि जब दे स्टार्टेड डेटिंग तब काइली 18 ईयर्स की नहीं हुई थी, शी वॉज 17 एंड टाइगा वॉज 25, बट फिर 2017 में दे ब्रोक अप, एंड कुछ महीनों बाद काइली वॉज सीन विद ट्रैविस स्कॉट।
एंड ट्रेविस के साथ रिलेशन में आने के कुछ ही वक्त बाद काइली गॉट प्रेग्नेंट एंड 2018 में शी गेव बर्थ टू स्टॉर्मी एंड 2019 में काइली जेनर ने काइली कॉस्मेटिक्स को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया दैट वो उसका 51% स्टेक सेल करेगी। गॉटी करके एक ब्यूटी कंपनी है जिन्होंने $600 मिलियन देके काइली से 51% कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया काइली कॉस्मेटिक्स का। हेंस ये डील के दौरान द कंपनी वॉज वैल्यूड एट $1.2 बिलियन एंड इस डील के बाद काइली के पास 49% शेयर रह गया। फिर 2019 के बाद काइली स्किन, काइली बेबी, काइली स्विम ये सब भी लॉन्च हुए। इसमें से काइली स्विम इतना नहीं चला बिकॉज स्विम सूट का क्वालिटी लोगों को पसंद नहीं आया, पर काइली स्किन एंड काइली बेबी ये प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आए। फिर ये साल के फरवरी में काइली एंड ट्रैविस का उनका दूसरा बच्चा भी हुआ, तो वी कैन से दैट काइली हैज कम अ लॉन्ग वे। हाँ, अपने नेचुरल फीचर्स को काइली ने एम्ब्रेस नहीं किया, बट दैट वॉज हर चॉइस। शी गॉट रिड ऑफ हर इनसिक्योरिटीज एंड फिर ही वो कॉन्फिडेंस उसमें आया। लिप फिलर से ये जर्नी शुरू हुआ, पर पीपल वर क्विक इनफ टू नोटिस दैट काइली की जो बॉडी है ना वो भी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। ऐसा लगता है कि ओवर द इयर्स और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने के लिए काइली ने अपने बॉडी पे कई प्रोसीजर्स किए हैं एंड ऑल्सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसने एक $1 बिलियन एम्पायर भी खड़ा किया। सो यहाँ दैट्स इट, डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन काइली जेनर एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।